सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में आपके साथ बात करूंगा OnePlus 5T के ओपन बीटा 10 के कैमरा रिव्यू के बारे में। इसके मैंने पहले आपको प्रॉमिस कर दिया था, मैंने OnePlus 5T का जो ओपन बीटा 10 है उसका कंपैरिजन कर दिया है OnePlus 6 के साथ, और आने वाले वीडियो में मैं आपको सभी फोटोज दिखाऊंगा। और अगर आप मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि ओपन बीटा 10 में कैमरा इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है। मतलब जो फोटोज़ में डिटेल्स कम आ रही थी, अभी डिटेल्स काफ़ी अच्छी आ रही है, क्लैरिटी भी आ रही है। और हम लोग जो बात करते हैं ऑयल पेंट इफेक्ट की, मतलब किसी के ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग जूम करते हैं तो ऑयल पेंट इफेक्ट आता है, तो वो ऑयल पेंट इफेक्ट भी मुझे पर्सनली नहीं नज़र आया इस पर्टिकुलर ओपन बीटा 10 में। और OnePlus 6 के साथ कंपैरिजन में भी मुझे दोनों ही फ़ोन्स की फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी, और OnePlus 5T की जो कैमरा क्लैरिटी है वो पहले से काफ़ी मुझे बेहतर लगी। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डे लाइट की फोटो और आप देख सकते हो OnePlus 5T की क्लियरिटी बेटर है, थोड़ा कूल टोन है, जबकि OnePlus 6 का टोन थोड़ा वार्म है। इस पर्टिकुलर फोटो में दोनों ही पिक्स काफ़ी अच्छे आई हुई है, डिटेल्स भी प्रॉपर है। अभी इसमें आप डिश एंटीना की तरफ देख सकते हो, OnePlus 5T में ज़्यादा डिटेल्स गैदर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 6, तो कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर है OnePlus 5T के कैमरा में। ये एक और फोटो है और आप देख सकते हो ज़मीन की तरफ डिटेल्स, मतलब क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा वाइट है एज कम्पेयर टू OnePlus 6। तो जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्लियरिटी इम्प्रूव कर दी है, तो ये थोड़ा बहुत तो सच है। आप सभी फोटोज़ में देख सकते हो दोनों ही फोटो काफ़ी नेक टू नेक आ रही है एज कंपैरिजन में। OnePlus 6 थोड़ा वार्म टोन दे रहा है, थोड़ा सैचुरेटेड दे रहा है, जबकि OnePlus 5T कूल और नेचुरल टोन दे रहा है पिक्स में। दोनों ही कैमराज के कलर और रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। और अभी मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो दिखाता हूँ, और जिस ऑयल पेंट इफेक्ट की बात हो रही थी उस ऑयल पेंट इफेक्ट को देखने के लिए मैं ये फ़ोटो 100% जूम कर रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हो मुझे तो कुछ ऑयल पेंट इफेक्ट नज़र नहीं आया, अभी उसको मैं 300% जूम करता हूँ, फिर भी ये फ़ोटो ठीक लग रहा है और मुझे कुछ ऐसा ऑयल पेंट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अब ये लो लाइट वाले शॉट्स है, और इस पर्टिकुलर फ़ोटो में OnePlus 6 बेटर है, OnePlus 6 का कैमरा थोड़ा बेटर है लो लाइट शॉट्स में। लेकिन अगर फिर भी हम लोग बात करते हैं क्लैरिटी की, तो OnePlus 5T इस पर्टिकुलर फ़ोटो में काफ़ी अच्छा क्लियर फ़ोटो दे रहा है। आप ये फ़ोटोज़ में देख सकते हो OnePlus 5T का जो टोन है वो काफ़ी कूलर साइड पे है, जबकि OnePlus 6 थोड़ा वार्म साइड पे टोन है, और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है लो लाइट शॉट्स में भी OnePlus 5T के, और काफ़ी नेक टू नेक फ़ोटोज़ है दोनों ही कैमरा में से। अभी आप लिप्स के डिटेल्स भी देख सकते हो OnePlus 5T में काफ़ी अच्छी तरीके से गैदर कर दिए गए। इसमें OnePlus 6 की फ़ोटो काफ़ी अच्छी थी। आप देख सकते हो लो लाइट में भी सभी कैमराज काफ़ी अच्छी डिटेल्स गैदर कर रहे हैं। अभी OnePlus 6 थोड़ा सैचुरेटेड है, जबकि OnePlus 5T थोड़ा कूल और नेचुरल सा कलर इफेक्ट दे रहा है ग्रास का। अभी ये एक लो लाइट वाली फ़ोटो है, अभी इसको मैं 200% जूम करता हूँ तो आपको क्लैरिटी का अंदाज़ा आ जाएगा। और आप देख सकते हो OnePlus 5T में डिटेल्स अभी भी थोड़ी बहुत है, जबकि OnePlus 6 की डिटेल्स पूरी वैनिश हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है अभी, लेकिन ये पर्टिकुलर अपडेट स्टेबल वर्जन में कभी आएगा इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बीटा फीचर्स अभी तक स्टेबल में नहीं आए हैं। होप सो OnePlus ये जल्दी स्टेबल में रोल आउट करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको OnePlus 5T का कैमरा कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।